ये कहानी है ऐसे आदमी की जो सूटकेस के अंदर कैद है और उसे जब भी दर्द होता है उसके अंदर से सोने के सिक्के निकलते हैं। फिल्म की स्टार्टिंग हम एक लड़के को एयरपोर्ट पर देखते हैं जिसका नाम जस्टिन होता है। जस्टिन वहाँ पर अपने बैग का आने का इंतजार कर रहा होता है। इंतजार करते करते उसे काफी देर हो जाती है, इसलिए वो एयरपोर्ट कस्टम के पास जाता है इसकी शिकायत करने के लिए। तभी उसका बैग वापस आ जाता है। तभी हमें दिखाते हैं कि उसका बैग किसी और के बैग से एक्सचेंज हो जाता है और वो किसी और का बैग लेकर चला जाता है और उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। अब वो घर जाकर देखता है कि घर पर सब सामान बिखरा होता है। अब उसे भूख लगती है, वो कुछ खाने के लिए ढूंढता है पर उसका फ्रेंड जो उसके साथ रहता है वो सारा खाना खा लेता है। अब वो अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम कर खा कर पढ़ रहा होता है और पढ़ने के बाद सोने जाता है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। जब वो इन आवाजों को ध्यान से सुनता है उसे पता चलता है कि ये आवाज उसके बैग से आ रही है, कोई उसे मदद मांग रहा है। अब वो डरते डरते उस बैग को खोलता है। जैसे ही वो उस बैग को खोलता है वो काफी डर जाता है क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा आदमी होता है जिसके हाथ पैर बुरी तरह से मुड़े होते हैं और वो किसी तरीके से उस बैग में फिट होता है। वो जस्टिन से कहते हैं कि मैं अभी जिंदा हूँ, तुम मेरा मुंह अपनी तरफ करो ताकि मैं तुमसे कुछ बात कर सकूं। पर जस्टिन बहुत डरा डरा हुआ होता है और वो ये सोचता है कि इस हालत में ये इंसान मेरा क्या बिगाड़ेगा। पर फिर भी वो अपनी सिक्योरिटी के लिए एक बैट लेकर अपने साथ जाता है और अब वो उसका सिर घुमा देता है और इसी बीच बार बार इस बैग से हड्डियों के टूटने की आवाज आ रही होती है। जिन आवाजों को सुनकर जस्टिन डर जाता है और अपना बैट अपने हाथ में उठा लेता है। पर ये आदमी जस्टिन को कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है और अब जस्टिन बैट को रख देता है। अब जस्टिन उस आदमी से पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की। ये आदमी जस्टिन को बोलता है कि मैंने एक आदमी को बहुत बुरा भला कहा जिसकी वजह से उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और उसने मेरी ये हालत कर दी और अब मैं इतनी बुरी हालत में हूँ कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पर जस्टिन यहाँ पर इस आदमी से बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, इसलिए जस्टिन इस आदमी से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हारा इलाज तो हॉस्पिटल में होगा। पर वो आदमी जस्टिन से कहता है कि वो लोग मुझे हॉस्पिटल में भी ढूंढ लेंगे और वहाँ भी मार देंगे, प्लीज तुम मेरी मदद करो जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर जस्टिन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और जस्टिन कहता है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकाला तो तुम्हें दर्द होगा। वो आदमी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सह लूंगा। जस्टिन अब इस आदमी को बाहर निकालने लग जाता है और उसे काफी दर्द हो रहा होता है और जब उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है तो उसके मुंह से एक सोने का सिक्का निकलता है। अब जस्टिन इसे कैच कर लेता है और वो इस सिक्के के बारे में उस आदमी से पूछता है कि ये सिक्का तुम्हारे मुंह से कैसे निकला। तो वो आदमी जस्टिन को बताता है कि हमारे ऊपर एक कर्ज है, जब भी हमें दर्द होता है तो हमारे मुंह से एक सोने का सिक्का निकलता है, हमें जितना ज्यादा दर्द होगा उतने ज्यादा सोने के सिक्के निकलेंगे, मैं तुम्हें काफी सारे सिक्के दूंगा, बस तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। तुम मुझे जितना बाहर निकालोगे मुझे उतना ज्यादा दर्द होगा और उतने सारे सिक्के बाहर निकलेंगे, तुम वो सारे सिक्के रख लेना। तभी उसे दर्द हो रहा होता है और वो कहता है कि मुझे अभी रेस्ट करना है, तुम एक काम करो, ये काम तुम कल करना, अभी मुझे सोना है। और जस्टिन उस बैग को बंद कर बाहर इस सिक्के के बारे में पूछताछ करने चला जाता है कि ये सिक्का असली है या नकली। पर वो सिक्का बिल्कुल असली होता है और वो उसे बेच देता है जिसके बदले में उसे $275 मिलते हैं। और वो ये बात जाकर एलिस को बताता है कि मेरे पास $275 है, चलो पार्टी करते हैं। एलिस कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए। वो कहता है कि मेरे पास एक सोने का सिक्का था जिसे मैंने बेच दिया और मेरे पास इतने पैसे आ गए। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास सिक्का कहाँ से आया, तो वो उसे सारी बातें बता देता है। पर एलिस को यकीन नहीं होता, उसे सब मजाक लग रहा होता है। तो जस्टिन प्रूफ करने के लिए उसे अपने साथ दिखाने ले जाता है। तभी देखते हैं कि वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड उसके घर से गुस्सा होकर जा रही होती है। वो जस्टिन पर गुस्सा करती है कि तुमने एक आदमी को सूटकेस में बंद क्यों किया है, तुम एक खूनी हो, मैं अभी जाकर पुलिस को बता दूंगी। जस्टिन कहता है मैंने उसे नहीं मारा, वो पहले से ही बंद था।
था और वो उसे सारी बातें बताता है। और जस्टिन और कारा उस आदमी को सूटकेस से बाहर निकालने लगते हैं तो उसे बहुत दर्द होता है और उसके अंदर से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं, जिसे देख जस्टिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कारा और एलिस के मन में लालच आ जाता है, वो इस आदमी की मदद से करोड़पति बन सकते हैं जिसे हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। जस्टिन उन्हें ये सब करने से मना करता है और कहता है कि ये इस सूटकेस में इसलिए फंसा क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा कर्ज था, कहीं ऐसा ना हो हम पर भी ये कर्ज चढ़ जाए, और वो उन्हें मना करता है। तभी कारा उसकी गर्लफ्रेंड जस्टिन को समझाने लगती है। इसी बात का फायदा उठाकर एलिस उस सूटकेस को उठाकर बाहर फेंक देता है और उस आदमी को बहुत ज्यादा दर्द होने पर उसमें से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलते हैं और तीनों को लालच आ जाता है। जस्टिन थोड़ी बहुत दया भाव रखता है उस आदमी के लिए और कहता है कि इससे हम पैसे कमा कर इसे अपने से दूर कर देंगे, इसलिए इससे हमें बहुत बुरा हो सकता है, और वो इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं और उस सूटकेस वाले आदमी पर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं अलग अलग तरीके से। और उनके पास बहुत सारे सिक्के इकट्ठे हो जाते हैं और पर अभी भी उनका लालच पूरा नहीं होता तो वो इसे एक शॉक ट्रीटमेंट करते हैं जिससे वहाँ पर और भी सिक्के की बौछार हो जाती है। तभी जस्टिन को ये सब बर्दाश्त नहीं होता, वो उसे रोक देता है और उनके दोनों फ्रेंड उस पर गुस्सा होते हैं कि तुमने हमें रोका क्यों। जस्टिन कहता है कि अगर हम ऐसे ही शॉक देंगे तो ये मर जाएगा, वैसे भी हमने काफी सारे सिक्के जमा कर लिए हैं तो बस अब हम और नहीं करेंगे। तभी वो आदमी होश में आता है और कहता है कि तुम रुको मत, तुम मुझे शॉक देकर मार ही दो, और एलिस शॉक की पावर और तेज बढ़ा कर उसे मारने लगता है। जस्टिन उन्हें रोकता है पर वो उसकी एक नहीं सुनते और वो उन्हें कहता है कि मैं पुलिस को फोन करने वाला हूँ। उसकी गर्लफ्रेंड डर कर उसके हाथ से फोन लेकर तोड़ देती है और वो जस्टिन को भी हथौड़ा मार देती है, जिसके बाद जस्टिन वहाँ से जाने लगता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। तभी एलिस और कारा ये डिसाइड करते हैं कि अब आज के लिए इस आदमी से जितना पैसा कमाना है हम कमा लेंगे और यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे और इस आदमी को तब तक तड़पाएंगे जब तक ये मर ना जाए। और तभी वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग अपनी नई जिंदगी इस सूटकेस में ही बिताओगे क्योंकि अब तुम हमेशा के लिए यही रहोगे। और तभी उसके अंदर से एक शैतान निकलता है जो कि वहाँ पर दो नए सूटकेस बनाता है और उन्हें बंद कर देता है। ये सीन बहुत ही ज्यादा डरावना होता है और फिर जस्टिन को दिखाते हैं जो कि हॉस्पिटल में होता है। जब उसे होश आता है तो वहाँ पर एक फूल और लेटर रखा होता है जिसमें लिखा होता है कि जब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं तुम्हारे पास हूँगा। और तभी उस आदमी को उसी एयरपोर्ट पर दिखाते हैं जहाँ से जस्टिन को बैग मिला था। वो आदमी बिल्कुल ठीक होता है, बस वो आदमी एक जाल बिछाता है उन लालची लोगों के लिए जो पैसे के लालच में सूटकेस में बंद आदमी को मार देते हैं और उसमें खुद ही फंस जाते हैं। यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।